तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल जो मैं अपने पूरे फेस पे प्राइमर के तौर पे यूज़ करूँगी। एक्चुअली मैंने मॉइस्चराइज़र कर लिया है और उसके बाद ये मैं प्राइमर की जगह ये पतंजलि एलोवेरा जेल अपने पूरे फेस पे लगाऊँगी। देखिए इसके लगाते ही स्किन पे एक लाइट सी आ जाती है और इसको मैं 5 मिनट के लिए ही छोड़ दूँगी ऐसे। फिर उसके बाद मैं ये लक्ष्मी का, देखिए ये पूरा मतलब ऑब्जर्व हो गया है। फिर इसके बाद मैं लक्ष्मी का सीसी क्रीम यूज़ करूँगी। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है और ये मतलब एकदम स्मूथ और इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है कि आप लगता ही नहीं कि फेस पे मैंने कुछ लगाया है। तो इसे मैं डैप फिंगर के थ्रू पूरे फेस पे लगा लूँगी। एक्चुअली यहाँ पे मैं बस अपने हाथों का ही यूज़ कर रही हूँ और मैंने कोई मतलब ब्रश यूज़ या ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसे अपने पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने पिंक कलर पूरे क्रीज पे, आई क्रीज पे लगा लेना है मुझे। मैंने यहाँ पे अपने, मैंने बोला ना जैसे कि आज मैं इसे पूरे फिंगर से ही अपने मेकअप को कर रही हूँ, तो ये मैं इसे अच्छी तरीके से कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं जब ये मेरा क्रीज पे अच्छी तरीके से लग जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का आई शेडो लगाऊँगी अपने क्रीज़ पे। फिर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद देखिए ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है और ये कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो इसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना। और फिर देखिए ये अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो गया है। अब यही सेम मैं दूसरे आँख पे अपने कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने काजल लिया है और ये काजल को मैं अच्छी तरीके से लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैं विंग बनाऊँगी क्योंकि मुझे काजल में ना विंग बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, बिना विंग के तो मुझे काजल अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं विंग बना के इसे मैं आईलिड के अंदर लगा लेती हूँ ना, इससे काजल को लगाने से ना आंखें बड़ी बड़ी लगती है और पलके भी घनी घनी लगती है। तो मैंने इसे लगा लिया है अच्छी तरीके से और ये देखिए मेरे दोनों ही आंखों में अच्छे तरीके से लग चुके हैं और ये आइस लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद कैमरे में उतनी अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है। और इसी काजल से ना मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी और ये बहुत ही मैं हल्के से मतलब उसको बस शेप दे रही हूँ, बल्कि बहुत ही हल्का सा यूज़ करके काजल को बस शेप देने के बाद मैं यहाँ पे अपने फिंगर से ही इसको अच्छे से वो कर लूँगी, मैश कर लूँगी। और वो देखिए बहुत हल्का शेप दिया है बस,
और ये देखिए बिल्कुल भी नेचुरल लगेगा, ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपने कुछ लगाया, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने कुछ लगाया है, बहुत ही नेचुरल शेप आता है। तो ये मेरा हो गया। और फिर उसके बाद मैं ये आईब्रो ब्रश से सेट कर ले रही, अच्छी तरीके से ये सेट हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्रियोन की रेडिश ऑरेंज कलर के लिपस्टिक लगा रही हूँ, और ये सब लोकल मार्केट से है, इसकी कोई भी प्राइस ज़्यादा नहीं है। बस लक्मे सीसी जो है वही क्रीम जो है वही महंगी है, 99 रुपीज़ की है, और सब 50 रुपीज़ के अंडर में ही है। तो अभी मैं इसी लिपस्टिक से ना अपने मतलब अच्छे से चिक बोन को पिंक कलर में, मतलब पिंकिश लगे इस वजह से इसको ऐसे डैप करके मैंने लगा लिया है। और ये देखिए मैं दोनों ही चिक पे लगा लेती हूँ अच्छी तरीके से, और ये लग चुका है। और इसके बाद मैं ना यहाँ पे जैसे कि नेचुरल हो जाए, मैं ये नेचुरल सब कुछ नेचुरल देखने के लिए दिखाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बिल्कुल भी नेचुरल लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप करके आया है। तो यहाँ पे मैं ना पॉन्ड्स बेबी फेस पाउडर लिया है और उसे ना अच्छे से पूरे फेस पे सेट कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल वो जो लाइट हल्का पिंक सा लग रहा था तो वो बिल्कुल सेट हो चुका है, और वो जैसे पिंक आपका चीक ही हो ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पे मैं हाइलाइटर ले रही हूँ, ये भी फ्रेंड्स मुझे 60 या 70 रुपीज़ का मिला था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोज को अपने हाईलाइट कर लेती हूँ, और ये हाइलाइटर लगाना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और मैं यहाँ पे थोड़े से लिप पे लगा ले रही हूँ, और चिक पे भी लगा ले रही हूँ। बाबू पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो उसको इग्नोर करना। तो ये देखिए मेरा फाइनल तैयार हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने नेचुरल मेकअप किया है, कोई ज़्यादा पोत पात नहीं की है इस पर, और ये सिंपल मेकअप पार्टी वेयर लुक तैयार हो गया है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा है ये। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।